Hello students, this is your JP sir. Today I brought for you CBSE class 9th maths number system. Today we are going to learn rationalizing the denominator. आज हम लोग rationalizing the denominator पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो rationalizing the denominator का meaning क्या होता है? Rationalizing the denominator means to make denominator into a rational number. मतलब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर वो इरेशनल है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 1/√a यहां पे √a, तो अब डिनोमिनेटर क्या है? √a. इसको रैशनल नंबर बनाना है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है. सपोज मैं मानता हूं, क्या मानता हूं, से √a इज इरेशनल और a इज ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो ऑटोमेटिक वो रैशनल है, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. बट अगर कहें कि रूट ए रैशनल है, मतलब क्या होगा, ए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. ठीक, तो रैशनलाइजिंग ऑर्डर का कुछ तीन चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, द 3-4 टाइप क्वेश्चन. वन क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप, अदर क्वेश्चन इज लाइक 1/√ प्लस रूट ऑफ एनी अदर नंबर, एक ऐसा टाइप का हो गया. सेकंड होता है न्यूमरेटर कैन बी एनीथिंग, न्यूमरेटर में 1-0 नहीं कि हमेशा 1-1 रहेगा, उसमें कुछ भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको क्या पता है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं. डिनोमिनेटर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नंबर के ऊपर रूट हो, ठीक है, यहां पे प्लस या माइनस हो सकता है, यहां भी प्लस या माइनस हो सकता है. ठीक, इसी तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं. मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे कैसे ऐसा रहा तो हम कैसे उसको करते हैं, ऐसा रहा तो हम ऐसे कैसे करेंगे, ऐसा रहा तो हम ऐसे. ठीक, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज पूछ बताता हूं आपको. अगर मुझे 2 का रैशनल पार्ट क्या है, इस √2 वाले नंबर, ये रैशनल नंबर है आप सब जानते हैं, इसमें रैशनल पार्ट क्या है, रैशनल पार्ट 2 है. मतलब खाली अगर 2 कैसे भी मिल जाए हमें, ठीक है, तो हम इसको रैशनल पार्ट बना देंगे. ठीक, तो इस तरह का जब क्वेश्चन है, पहले फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन बनेगा. ठीक, तो डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को √2 से 2 बदलना है. ठीक, तो रूट हटाना है, मतलब ये जो रूट का साइन है ये रिमूव करना है. तो रूट का साइन रिमूव एक ही तरीके से होता है, आइदर स्क्वायरिंग द नंबर, रूट वाला नंबर को स्क्वायर करने पर, और मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद द सेम नंबर, जैसे √2 का स्क्वायर किसी तरह हो जाए, या फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दें. अगर √2 और √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर. अगर √2 का स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया, आंसर आएगा 2. ठीक, तो किसी तरह मुझे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल. ठीक है, तो जरा देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन कि 1/√a है, तो इसको हम कैसे मतलब रैशनलाइज करते हैं. सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उस नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर व्हिच इज देयर इन डिनोमिनेटर, बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर, आई कैन से सेम सिंपल. सो इफ यू से √a इनटू a, 1 विल बी व्हाट, √a, एंड डिनोमिनेटर विल बिकम a. नाउ यू कैन क्लियरली सी डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर, ओके, वेयर a इज एन इंटीजर नॉट इक्वल टू 0, दैट्स ऑल. ओके, नाउ हियर लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन, 1/√2 या √7. सो व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √7. हम लोग क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √7/7. इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. अब जरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, 1/a प्लस √b और 1/a माइनस √b, कोई केस रहेगा उसको ध्यान देना आपको. अब बताइए इसका स्क्वायर करने को बोल रहे हैं, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, ये हो जाएगा 1/√a² प्लस b², ठीक है, प्लस वाला केस लेता हूं, तो दूसरा क्या आएगा, 2a√b, तो यहां पर रूट हटाई है ना, रूट हटाई नहीं, क्योंकि ये रैशनल पार्ट हो गया, ये इरेशनल पार्ट हो गया, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल अगेन, तो ये इरेशनल पार्ट इसका रिमूव नहीं हुआ, तो ये गलत तरीका है, इस तरह से हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते. ठीक, आप सब जानते हैं मुझे अगर दोनों का स्क्वायर सेपरेट मिल जाए तो काम आएगा,
हम लोग सब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इनका प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर किसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए तो ए का रूट हट जाएगा, बी का रूट हट जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहां पे अगर प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन में, सॉरी यहां प्लस रहेगा तो इस फ्रैक्शन में हम लोग ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई और ए माइनस रूट बी से डिवाइड करेंगे। मतलब जो भी साइन मिडल में यहाँ पे है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी मेरे पास है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ओके अगर इफ वी हैव माइनस साइन ओवर हियर देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन नंबर। ओके सो दैट वी शुड गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेकिंग प्लस साइन ओवर हियर एंड सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन नंबर। ओके सो रिजल्टिंग आंसर विल बी व्हाट, रिजल्टिंग आंसर विल बी a माइनस रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी विल गेट आंसर a माइनस रूट बी अपॉन a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू कैन क्लियरली सी डिनोमिनेटर डजंट हैव एनी रूट साइन, सो क्लियरली डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज। ओके नाउ थर्ड टाइप क्वेश्चन विल डू सेम थिंग, व्हाट विल डू हियर, रूट ए प्लस बी रूट बी इज देयर सो वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय सेम नंबर इन अदर वर्ड्स वी आर मल्टीप्लाइंग बाय वन, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय वन विल गेट सेम नंबर बैक। ओके सो दिस विल बिकम व्हाट, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। सो आंसर विल बी व्हाट, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी। सो क्लियरली यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड। ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स, प्लीज पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व वन वन एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी सेम सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। This question I have already solved just now. And second part, let's see second part first of all. Because first question I have done. 1 upon root 7 minus root 6. किस टाइप का है? Third type. 1 upon root or a minus root b. तो क्या बताया था? यहाँ जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। So, for to this solve this, we have to multiply by root 7 minus root 6 plus sign. रूट सेवन प्लस रूट सिक्स एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। बताया मैंने कि जो साइन रहता है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, इन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए इज व्हाट, रूट सेवन, रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट सिक्स स्क्वायर। सो यू गेट रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन सेवन माइनस सिक्स विच इज वन। So answer is root 7 plus root 6 upon 1. So we don't write upon 1. This is your required answer. Similarly, to solve this question, third one, what we will do? We will take opposite sign of plus minus root 5 multiply and divide by root 5 minus root 2. I think you can solve this question very easily. Okay. Now let's see fourth question, fourth part. 1 upon root 7 minus root 2. Root 7 minus 2, sorry. This is fourth part. So what we'll do, we'll multiply by root 7 plus 2 upon root 7 minus 2. So this will become, what? Root 7 plus 2, upon root 7 square and minus 2 square. Sorry, here the plus sign will be there. So root 7 square is 7 and minus 2 square. Okay. So this will become root 7 plus 2 upon 7 minus 4, which is root 7 plus 2, or you can say 2 plus root 7, it looks good, that's it, upon 2. This is the required answer. I hope you all understood this, all the three questions. Please pause the video and note it down and solve this question, two questions at the homework. Okay. So students, let's see question number 1 of exercise 1.5, which is very easy.
इट इज आस्किंग क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है इन नंबर्स को कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। इनको क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि रैशनल क्या होता है इरेशनल क्या होता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि दिस इज रैशनल नंबर दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, तो आपको कुछ चीजें बता दूं, रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल का रिजल्ट जो आता है, इसका जो आंसर आता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल का रिजल्ट जो होगा इरेशनल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, रैशनल मीन्स जैसे ये एग्जांपल आपका 2 - √5, एक 2 एक रैशनल नंबर है और -√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कल स्टूडेंट्स में हम लोग लर्न करेंगे कैसे प्रूफ करना कि √5 इरेशनल होता है। ठीक, तो इनका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये नंबर क्या हो गया आपका, इरेशनल। ठीक, यहां देखते हैं इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 + √23 - √23। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचता है, खाली 3। आप जानते हो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर दिस होल नंबर इज रैशनल। ये नंबर कैसा है, ये रैशनल नंबर है। अच्छे से लिखेंगे दिस नंबर इज रैशनल और इरेशनल, रीजन दे देंगे। ठीक, फर्स्ट के लिए यहां देखते हैं, यहां का ध्यान से देखिए तो √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आप जानते हैं, 2 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 7 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2/7 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। नाउ 1/√2, ठीक है, आपको बता दू रैशनल अपॉन इरेशनल रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। रैशनल अपॉन इरेशनल रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, न्यूमरेटर रैशनल डिनोमिनेटर इरेशनल, तो क्या होगा, इरेशनल। 2π, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ना तो उसमें पूछा गया है, रिकॉल करो कि पाई का जो वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब जो हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में सॉल्व करते समय यूज करते हैं, 3 point something। ठीक है, और जो पाई है, पाई को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन 3.142 समथिंग जो इसका मान होता है, जो वैल्यू होता है 22/7 जो हम लोग लेते हैं। आप कहेंगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। ठीक है, ये जबकि एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये पाई जो है इरेशनल नंबर है। आप ध्यान रखिएगा कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस, किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस आर हो, ठीक है, जिसका रेडियस आर हो, उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। तो वाई पाई का वैल्यू क्या होगा, सी अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई, और यू कैन से 2r मींस व्हाट, डायमीटर। तो पाई का वैल्यू क्या होगा, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। ओके, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, दिस इज अप्रोक्सिमेट वैल्यू है। ठीक, अगर मैं किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर से डिवाइड करते जाऊं तो जो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, विच इज इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये पाई का जो वैल्यू हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिस इज व्हाट अप्रोक्सिमेट वैल्यू, खाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, नियरली पाई के वैल्यू के क्लोज है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, बट उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, जो हम सवाल सॉल्व करने के यूज करते हैं वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा था, आप उसको कम, आई होप आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2π कैसा नंबर होगा, पाई जो कि है रैशनल, सॉरी इरेशनल, और 2 जो है रैशनल नंबर। आपको बता दूं रैशनल इंटू इरेशनल जो होता है हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। रैशनल इंटू इरेशनल नंबर क्या आता है, इरेशनल नंबर। देयरफॉर दिस नंबर इज व्हाट, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल हुआ, ये इरेशनल, बाकी ये इरेशनल हुआ। ठीक है, और बाकी सब नंबर्स क्या हुए, रैशनल नंबर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच आई टॉट इन प्रीवियस वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने क्वेश्चन 2 सिखाया था, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं किसी नंबर को, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज वो जरूर देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, √3 + √3। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई मीन्स व्हाट, मेक इट सिंपल, जितना आगे कैलकुलेशन कर सकते हो करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 + √3 × 2 + √2। 3 + √3, नेक्स्ट ब्रैकेट वी हैव 2 + √2, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। दिख रहा ब्रैकेट मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट निकालना। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में छोटी क्लास में, किसकी क्लास में, केजी में बच्चे ले जाएगी।
तो कैसे करते हैं इसको, थ्री से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री इंटू टू प्लस रूट टू, ठीक है। फिर ये साइन वैसे रखते हैं, फिर बी मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री टू द होल ब्रैकेट। सो व्हाट इज द होल प्रोसेस, फर्स्ट टेक फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द होल ब्रैकेट, देन टेक साइन, देन टेक सेकंड नंबर मल्टीप्लाई द होल ब्रैकेट। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू रूट टू। यहां ध्यान दीजिएगा, थ्री इंटू रूट टू जो होगा वो आप लोग रूट टू जो होगा वो रूट सिक्स मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, नहीं सर मल्टीप्लाई तो कर दिया, सिक्स होना चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं होता। इसका जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो थ्री रूट टू ऐसा लिखेंगे। अगर दोनों नंबर पे रूट रहता है तब रूट सिक्स होता वो, ठीक है। यहां केयरफुल ध्यान दीजिए, तो थ्री इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, थ्री रूट टू। अब रूट थ्री इंटू टू सेम चीज, टू रूट थ्री, मतलब उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट टू। देखिए दोनों पे रूट है तो अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा रूट सिक्स। अब आप देखेंगे इसमें कोई लाइक टर्म्स है क्या, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर सपोज यहां पे टू होता तो हम लोग इनको इनको ऐड कर सकते, या सपोज यहां पे थ्री होता तो हम इनको इनको ऐड करते और सिंपल कर लेते। अब कोई ये मत करना कि सिक्स प्लस रूट सिक्स ट्वेल्व होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इसके आगे हम ऐड नहीं कर पाएंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज ऑल टर्म्स आर डिफरेंट, लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन के सारे सब क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रह जाता है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन है बस, इसके बाद हमारा 1.5 खत्म होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज आई थिंक, यस, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक। एक उसके बाद बताऊंगा क्या लॉजिक इसके पीछे है, ड्रॉ करने के पीछे क्या लॉजिक है, वर्ड मतलब जस्टिफिकेशन आई विल गिव इनसाइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट के अंदर जो भी नंबर पार्ट है उतना लेंथ का हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जो भी लेंथ दिया है। अगर यहाँ पे रूट के अंदर 3.5 बोला है तो 3.5 लेंगे, रूट के अंदर 7.2 बोला है 7.2 लेंगे, वॉट एवर लेंथ इज गिवन इन साइड द रूट टेक दैट लेंथ ऑन अ लाइन सेगमेंट। ओके, सो नेम दिस लाइन सेगमेंट एज ए बी, ए बी 9.3 सेंटीमीटर और 9.3 यूनिटी कैंसिल। उसके बाद क्या करना है आपको, बी से 1 सेंटीमीटर कोई भी क्वेश्चन रहे ध्यान रखना, 1 यूनिट, अगर ये 9.3 यूनिट आपने लिया, यूनिट मतलब कोई भी सेंटीमीटर मीटर जो भी लेंथ लिया उसी लेंथ के हिसाब से, ठीक है। बी से हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का लेंथ आगे लेकर कोई पॉइंट उसका नाम दे देंगे डी और सी दे देते हैं, बात समझ में। जो रूट के अंदर नंबर है उतना पहले लेंथ लेंगे, उसके आगे 1 यूनिट का लेंथ आगे एक्सटेंड करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आई विल टेल यू। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, जो एसी आया है हम लोग एसी को डायमीटर लेकर, टेकिंग एसी एज डायमीटर वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अगर एसी को डायमीटर ले रहे हैं मतलब रेडियस निकालना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, सो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। यू ऑल नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कीपिंग राउंडर एट ए, टेक मोर देन हाफ ऑफ दिस लेंथ, मेक एन आर्क अप एंड डाउन एंड दिस वे आई विल जस्ट टेक द रफली आई टेक। ओके, व्हाट आई सेड, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड मोर देन हाफ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मेक एन आर्क अप एंड मेक एन आर्क डाउन। ओके, नाउ कीपिंग सेम डिस्टेंस इन द प्रोटेक्टर और सॉरी कंपास, नाउ कीप कंपास पॉइंट एट पॉइंट सी, मेक एन आर्क अप मेक एन आर्क डाउन एंड ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, दिस विल इंटरसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट एट एनी पॉइंट, मार्क दैट पॉइंट एज ओ। नाउ व्हाट वी हैव डन दिस, वी हैव गॉट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल, बिकॉज दिस इज द डायमीटर, दिस पार्ट विल बी रेडियस, सो टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ एज रेडियस, ओ को सेंटर लेकर ओ ए को रेडियस मानकर हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, समझ में। सबसे पहले काम क्या किया, ए बी जितना रूट के अंदर नंबर दिया उतना लेंथ लिया,
उसके आगे एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, ठीक। फिर ये जो पूरा लेंथ तैयार होता है उस लेंथ का हम एक यूनिट बोला थी, उस लेंथ का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, सो दैट वी शुड गेट रेडियस सॉरी सेंटर ऑफ द कमिंग सेमी सर्कल। नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ ए और ओ सी एज रेडियस, ड्रॉ सेमी सर्कल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। पॉइंट बी पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये 90 के एंगल से बनाएंगे, तो इस पॉइंट को हम मार्क करते हैं बी डी, और ये जो बी डी लेंथ आएगा, जो बी डी लेंथ आएगा उसको रेडियस मानकर, इसको रेडियस मानकर हम लोग एक आर्क कट करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल बी योर रूट 9.3, सॉरी दिस पॉइंट विल बी रूट 9.3, ठीक है। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहेगा कैसे, ठीक है, प्लीज पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन आफ्टर यू मेक इट, डू द कंस्ट्रक्शन प्लीज। आई होप यू मस्ट हैव डन द कंस्ट्रक्शन वर्क, आई यू अंडरस्टूड। नाउ आई विल टेल यू द जस्टिफिकेशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब क्यों मैंने इसका लेंथ, जो लेंथ दिया उतना ही दिया, इसके बाद वन यूनिट लिया, ठीक है। अभी मैंने यहां बीडी को लेंथ लेकर एक आर कट किया है, तो बीडी का लेंथ इज इक्वल टू बी, मीन्स दिस लेंथ डिस्टेंस इज माई रूट 9.3, तो मतलब बीडी का लेंथ रूट 9.3 होगा, ये कैसे आपका आया, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन समझने के लिए मैं एक नंबर बोलूंगा, मैंने पहले क्या बताया कि रूट के अंदर जो भी नंबर था उतना ही डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो फॉर जस्टिफिकेशन आई एम टेकिंग गॉड, दैट्स व्हाई आई पॉज दिस वीडियो, सो दैट आई विल टेक जनरल एग्जांपल, ठीक, ओके, रिप्रेजेंट। सो दैट्स व्हाई आई टेक रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन। सो दिस मच डिस्टेंस, एज आई सेड दिस मच डिस्टेंस वी हैव टेकन व्हाट 9.3, रिमेंबर, सो दिस मच विल बी एक्स, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे, ओ इज सेंटर, ओ ए इज रेडियस, ओ सी इज रेडियस एंड ओ डी इज ऑल्सो रेडियस। अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर दूं तो आप देखेंगे क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ध्यान से देखिए, ओ ए रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ डी रेडियस है। सो इसका लेंथ कितना होगा वो हम देखते हैं, ओके, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लेंथ का डायमीटर है आपका, ये पूरा लेंथ डायमीटर है। मैंने क्या किया था, एक्स के बाद वन यूनिट आगे लिया था, मतलब जो भी लेंथ था एक्स प्लस वन ये डायमीटर का लेंथ है, तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ, तो एक्स प्लस वन अपॉन टू। समझ में आया, ओ ए ओ सी एंड ओ डी ऑल थ्री आर रेडियस एंड वी ऑल नो दैट रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का लेंथ कैसे निकला, मैंने देखो यहां रूट 9.3 लिया था, वन यूनिट बढ़ाया था, तो वट एवर लेंथ था उसमें हमने वन एड करके हमने डायमीटर ड्रॉ किया था, तो एक्स प्लस वन का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक। मतलब अगर मुझे देखिए बीडी का लेंथ निकालना है कितना, रूट 9.3 या फिर रूट एक्स निकालना है, अंडरस्टूड, क्योंकि जो बीडी का लेंथ था वही तो मैंने रूट 9.3 बताया है या रूट एक्स बताया है, ठीक है। तो मुझे इसका लेंथ पता करना है, इसका लेंथ पता करने के लिए हमारे पास इसकी लेंथ मिल गई है, अगर इसकी लेंथ मिल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये आराम से निकाल लेंगे। इसका लेंथ कितना है भाई, इसका लेंथ आया एक्स प्लस वन अपॉन टू। इसका ओबी का लेंथ अगर मिल जाए, ओबी का लेंथ अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग बीडी आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ओबी का लेंथ कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, जरा यहां ए से बी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अगर एक्स मतलब पूरे लेंथ में से ये लेंथ माइनस हो जाए, हमको ओबी आराम से मिल जाएगा। बात समझ आई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x है, उसमें से अगर मैं इतना लेंथ माइनस कर दूं, बोले सर इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दिस, वो ये कितना है मालूम है हमारे पास, इसका वैल्यू है x प्लस वन अपॉन टू। तो हम क्या करेंगे, टू डिफाइंड ओबी, ओबी फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, x पूरा लेंथ, x में से OA का लेंथ माइनस कर रहे हैं, तो OA का लेंथ क्या भाई, x प्लस वन अपॉन टू। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आएगा 2x माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू, विच इज x प्लस वन अपॉन टू। आई होप समझ में आ रहेगा, x माइनस वन आई थिंक, या यू रिमूव द ब्रैकेट, इट विल बिकम माइनस साइन ओवर हियर, सो x माइनस वन अपॉन टू।
ये आ गया लेंथ, किसका लेंथ है भाई, ये इसका लेंथ आया ओबी का, एक्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक, अब आपको बीडी का लेंथ पता करना है, तो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल, ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा बोलो, ओडी का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बीडी स्क्वायर। और आपको क्या पता करना था कि बीडी का जो लेंथ है रूट 9.3, याद करो इस केस में क्या होगा, बीडी इज इक्वल टू रूट एक्स। मैंने बताया था ना, जो भी नंबर अंदर है उतना ही लेंथ लेते हैं, ठीक है, तो उतना ही लेंथ को मैंने एक्स लिया हुआ है, तो बीडी का लेंथ पता करना है। सेट दिस दिस साइड, दिस विल बिकम ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ओडी का लेंथ कितना भाई, ओडी का लेंथ है एक्स प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x प्लस वन ओडी रेडियस है, ओके, माइनस ओबी, ओबी इज एक्स माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। ओबी का लेंथ क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर। क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। ठीक है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू एक्स, और पुट माइनस साइन केयरफुली, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ओके, नाउ अपॉन फोर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओके, सो इफ यू रिमूव दिस ब्रैकेट साइन विल चेंज, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस, और जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू सॉरी टू एक्स प्लस टू एक्स विल बिकम फोर एक्स एंड वन वन विल गेट कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, फोर एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, और फोर फोर कैंसिल हुआ तो क्या बचता है, एक्स इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, देयर फोर बी डी इज इक्वल टू वॉट, रूट एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया था सवाल में, यहां पे लिए थे हम लोग रूट 9.3, मैंने बताया था जो भी नंबर रूट के अंदर है उतने ही नंबर का लेंथ लेंगे, एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, इसको डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट लेंथ का एंड पॉइंट था अपना, उस पॉइंट का 90 का एंगल बनाएंगे, और इतना ही लेंथ क्या होगा, यहाँ पे रूट 9.3 आएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, फॉर जनरली टू प्रूव इट आई हैव टेकन रूट एक्स, रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन, और आपको समझ में बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.6।